स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम अपनी वीडियो में दुनिया में मौजूद एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जहां कई दिनों तक सूर्य उदय नहीं होता एवं सूर्यास्त होने में भी कई हफ्ते लग जाते हैं। यह देश है स्वीडन। स्वीडन पूरी दुनिया में अपनी सुंदर महिलाओं, खूबसूरत वातावरण और अपने कानून के लिए जाना जाता है। स्वीडन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो हजारों आइलैंड से मिलकर बना हुआ है और इस देश में बहुत सारी झीलें मौजूद हैं। यह देश अपना बॉर्डर नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क जैसे देशों के साथ शेयर करता है। स्वीडन उत्तरी यूरोप का सबसे बड़ा देश है जो कुल 450,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस देश का इतना बड़ा लैंड एरिया स्वीडन को यूरोपियन यूनियन का तीसरा, यूरोप का पांचवा और दुनिया का 55वां सबसे बड़ा लैंड एरिया वाला देश बनाता है। इसके साथ ही इस देश की कुल आबादी 1,38,00,000 है जो इस देश को दुनिया का 79 सबसे घनी आबादी वाला देश बनाता है। इस देश की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर स्टॉकहोम है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीडिश है जो यहाँ के 90% आबादी द्वारा बोला जाता है। इस देश में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला धर्म क्रिश्चियनिटी है जिनके कुल मानने वाले यहाँ की कुल आबादी का 67% है। बाकी के बचे लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं या फिर किसी भी धर्म को नहीं मानते। इस देश में इस्तेमाल किए जाने वाले करेंसी को स्वीडिश क्रोना कहा जाता है। अगर इस करेंसी की तुलना हम अपने भारतीय रुपए से करें तो एक स्वीडिश क्रोना भारत के लगभग 8 रुपए के बराबर होता है। स्वीडन टूरिस्टों के लिए एवं यहाँ रहने वाले लोग दोनों के लिए बहुत ही सुरक्षित देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ गए बहुत सारे यात्रियों से पूछा गया तो उनका जवाब था कि उनको स्वीडन के सफर के दौरान किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा। बस यहाँ ट्रेवल करते समय उनको अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके कुछ स्कैमर, क्रिमिनल और चोरों से अपनी सुरक्षा बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। बात करें स्वीडन के झंडे की तो यह झंडा 2 रंगों से मिलकर बना हुआ है जिसमें गोल्ड और ब्लू रंग मौजूद है, जिसमें ब्लू रंग जस्टिस, लॉयलिटी, ट्रुथ, वायलेंस और प्रिवरेंस को दर्शाता है। वहीं इस झंडे में मौजूद गोल्ड कलर जेनरोसिटी को सिंबलाइज करता है। क्या आप जानते हैं कि इस देश में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन का कस्टमर होना यहाँ गैर कानूनी है। यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रोड मौजूद है जिस पर आप गाड़ी चलाने के दौरान अपनी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज भी कर सकते हैं। 3 सितंबर 1967 को स्वीडन ने अपनी ड्राइविंग साइड लेफ्ट से राइट कर दी थी, क्योंकि माना जाता है कि स्वीडन के ज्यादातर लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं। स्वीडन में एक शॉपिंग मॉल मौजूद है जिसमें नए वस्तुओं की जगह रिपेयर वस्तुएं या फिर रिसाइकल वस्तुएं बेची जाती हैं। स्वीडन के कुछ कॉलेजों में यहाँ के कुछ हॉस्टलों में रहने वाले स्टूडेंट रात्रि के 10 बजे अपनी खिड़कियों से जोर जोर से चिल्लाते हैं और उनसे पूछे जाने पर उनका जवाब होता है कि वह लोग कॉलेज का स्ट्रेस उतारने के लिए ऐसा करते हैं। इस देश में कुल 2,25,000 आइलैंड मौजूद है और इनमें से ज्यादातर आइलैंड पर कोई भी व्यक्ति नहीं बसता। इस देश में अगर कोई भी ब्लड डोनर अपना ब्लड डोनेट करता है और उसका ब्लड किसी व्यक्ति को यूज किया जाता है तो उस डोनर को एक थैंक यू का मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मुबारक हो, आपका ब्लड किसी व्यक्ति के जीवन बचाने के लिए प्रयोग में लाया गया। स्वीडन और फिनलैंड के मौजूद एक गोल्फ क्लब मौजूद है जिसमें गोल्फ क्लब में जो होल बनाया गया है वह आधा स्वीडन में पड़ता है और आधा फिनलैंड में पड़ता है। स्वीडन में 99% रिसाइकल वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। और यही नहीं, यह देश यूके, नॉर्वे, आयरलैंड और भी कई दूसरे देशों को पैसा पे करती है अपने देश में ट्रैश इंपोर्ट करने के लिए। इस देश में आप बच्चे के जेंडर को जानकर भी अबॉर्शन करा सकते हैं क्योंकि यह इस देश में लीगल है। इस देश में 90,000 झीलें मौजूद हैं जो 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़ी हैं और स्वीडन के 9% हिस्से को घेरी हुई है। 1950 में सबसे पहले आर्विड कॉन्सन ने हैप्पीएस्ट हार्मोन यानी कि डोपामिन का डिस्कवर किया था। लेटेस्ट रैंक के अनुसार स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया का 6ठा सबसे ताकतवर पासपोर्ट माना जाता है। इस पासपोर्ट से आप बिना वीजा के 124 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। एक समय में स्वीडन और नॉर्वे एक ही देश हुआ करता था। 1995 के बाद यह दोनों देश एक दूसरे से अलग हो गए। हम अपनी आगे आने वाले वीडियो में नॉर्वे के बहुत सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और स्टे ट्यून्ड रहें नॉर्वे पर आने वाली वीडियो के लिए। बैक टू द पॉइंट, उसी समय स्वीडन यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन गया और यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के बाद भी इस देश ने अपनी करेंसी को चेंज नहीं करी। जहां दूसरे देश यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के बाद अपनी करेंसी को यूरो कर लेते हैं, वहीं स्वीडन ने अपनी करेंसी को क्रोना ही रहने दिया। जहां हमारे भारत में पढ़ाई पर सबसे ज्यादा खर्च होता है, वहीं स्वीडन में जो भी स्टूडेंट इनकी हाई स्कूल में पढ़ रहा होता है उसे $100 प्रति माह पे किया जाता है ताकि वह स्टूडेंट अपने आगे की शिक्षा पूरी कर सके। इस देश में किसी बच्चे को मारना पीटना जुर्म माना जाता है। ऐसा नहीं तो यहाँ की पेरेंट कर सकती हैं और ना ही इनके स्कूलों को करने की अनुमति दी गई है।
इनके माता पिता को इस देश में अगर बच्चे को पीटते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें अच्छा खासा फाइन भरना पड़ता है और उन्हें जेल के सलाखों की हवा भी खानी पड़ सकती है। जहां हमारे भारत में अंग्रेजी भाषा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहीं स्वीडन की 90% आबादी को अच्छे से इंग्लिश बोलना पढ़ना आता है। बावजूद इसके यहाँ के लोग अपनी भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं और यह लोग अपने ही भाषा में एक दूसरे से बातचीत करना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्वीडन का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का लॉगिन हर हफ्ते यहाँ के किसी न किसी लोकल व्यक्ति को दे दिया जाता है, ताकि देखा जा सके कि वह लोग अपने विचार को किस तरह एक दूसरे के सामने पेश करते हैं। जहाँ स्वीडन हजारों आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, वहीं इसकी राजधानी स्टॉकहोम केवल 14 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है और यहाँ के सेंटर में सदैव पानी भरा रहता है। स्वीडन ने अब तक कुल 39 नोबेल पुरस्कार जीते हैं, इसलिए यह देश फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट और ग्रेट ब्रिटेन के बाद दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार जीतने वाला देश है। स्वीडन की 15% आबादी स्वीडन से जाकर दुनिया के कोने कोने में बस गए हैं। देखा जाए तो ऐसे स्वीडन का रिलेशन पूरी दुनिया से है। 1974 में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम संग इल ने स्वीडन से बहुत सारी कारें परचेज करी, जिसको स्वीडन ने नॉर्थ कोरिया एक्सपोर्ट भी कर दिया, पर इन कारों का एक भी पैसा आज तक नॉर्थ कोरिया ने स्वीडन को पे नहीं किया है। यूनाइटेड नेशन के एक डाटा के अकॉर्डिंग स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम फुटबॉल है। यह गेम केवल स्वीडन का ही फेवरेट नहीं बल्कि सारे स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक कंट्री का फेवरेट है। इसके साथ ही यहाँ के लोग बास्केटबॉल, आइस हॉकी और रग्बी जैसे गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। 2006 में यहाँ कुल 76 लाख टूरिस्ट घूमने आए थे। इस समय यह देश दुनिया का मोस्ट विजिटेड प्लेस बन गया था। स्वीडन का रेलवे स्टेशन दुनिया के बाकी रेलवे स्टेशन से सबसे अलग है, क्योंकि इनके रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी आर्ट पेंटिंग और स्कल्पचर लगाए गए होते हैं, जो इनको बहुत सुंदर बनाती है। हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा नॉर्डिक कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज चाय पीती हैं, इसलिए स्वीडन में एक अलग तरह का कॉफी पाया जाता है, जिसे स्के के नाम से जाना जाता है। अगर आप स्वीडन घूमने जा रहे हैं तो इस कॉफी को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही यहाँ का सबसे ज्यादा खाए जाने वाला भोजन भी जरूर ट्राई करें। इस देश में टॉयलेट पेपर परचेज करने के लिए क्रॉप शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस देश का नेशनल एनिमल योर्सन एल्क है। यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कॉमन ब्लैक बर्ड है। लिनिया को यहाँ के राष्ट्रीय फूल होने का दर्ज है। मीट बॉल यहाँ का सबसे ज्यादा खाए जाने वाला भोजन है। यह तो थे स्वीडन से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम जब भी अपनी अगली वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।